सीएम की कुर्सी पर बैठते ही मोहन यादव ने कर दिया ऐसा काम, देखकर पूरा देश हो गया हैरान। पहले दिन से योगी स्टाइल में मोहन यादव का एक्शन शुरू, एमपी से दिल्ली तक बढ़ गई हलचल। संघ के करीबी मोदी के भरोसेमंद कौन है मोहन यादव, जिन्हें बीजेपी ने बनाया एमपी का मुख्यमंत्री। मोहन यादव को जैसे मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान हुआ वो भावुक हो गए और शपथ लेने से पहले योगी स्टाइल में ऐसा काम कर दिया कि देखकर पूरा देश हैरान रह गया। सामने शिवराज सिंह चौहान थे, इसी दौरान मोहन यादव ने कुछ ऐसा किया कि शिवराज सिंह भी देखते रह गए। आखिरी वक्त तक शिवराज सिंह चौहान को यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी जगह पर किसी और को सीएम बना दिया जाएगा, लेकिन जिस मोहन सिंह का लिस्ट में नाम भी शामिल नहीं था, आखिर उनके नाम का ऐलान कैसे हो गया, इनसाइड स्टोरी जानकर आप हैरान रह जाएंगे। मोहन यादव को सिर्फ एमपी का मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है, बल्कि यूपी में अखिलेश यादव और बिहार में लालू यादव परिवार को भी समेटने की जिम्मेदारी मोदी ने मोहन यादव को देकर भेजा है। मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने का जब ऐलान हुआ, उसके बाद एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे देखकर हर कोई हैरान था। अब इस तस्वीर को देखिए, जहां सामने शिवराज सिंह चौहान खड़े हैं और कुछ देर बाद मोहन यादव शिवराज सिंह के पैर छूने लगते हैं। शिवराज सिंह चौहान दबे मन से आशीर्वाद भी देते हैं, लेकिन देखते ही देखते तस्वीर वायरल हो जाती है। ये तस्वीर इसलिए भी खास है क्योंकि जब मुख्यमंत्री के ऐलान के लिए हाई लेवल मीटिंग चल रही थी, शिवराज सिंह ही मुख्यमंत्री बनेंगे के नारे लग रहे थे, लेकिन जब मोहन यादव के नाम का ऐलान हुआ तो हर कोई हैरान रह गया। शिवराज सिंह 17 साल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब अपनी कुर्सी को किसी और के लिए छोड़नी पड़ी है। लेकिन मोहन यादव के ही मोदी शाह ने मुख्यमंत्री के लिए क्यों चुना और पूरा प्लान क्या है, ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि मोहन यादव मुख्यमंत्री तो सिर्फ एमपी के होंगे, लेकिन इसका असर यूपी से लेकर बिहार तक होने वाला है। यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां लोकसभा की 80 सीटें हैं, बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं। यूपी में मुलायम सिंह यादव का परिवार और बिहार में लालू परिवार का दबदबा है। मोहन यादव ओबीसी समाज से आते हैं, ऐसे में 6 महीने बाद होने वाले लोकसभा के चुनाव में बीजेपी मोहन यादव को स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल करेगी और यूपी बिहार में उतारेगी। यूपी बिहार में सबसे ज्यादा यादव वोटर है और इसका असर बीजेपी के वोट बैंक में कन्वर्ट होगा। यही वजह कि मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनते ही अखिलेश यादव भी परेशान हो गए हैं। इसके साथ ही लालू परिवार के अंदर भी खलबली मची है। मोहन यादव 2 जुलाई 2020 को शिवराज सिंह चौहान सरकार में कैबिनेट मंत्री बने थे। इन्हें उच्च शिक्षा मंत्री का कामकाज सौंपा गया था। यादव की छवि हिंदुवादी नेता की रही है। 25 मार्च 2065 को जैन में जन्मे मोहन यादव ने विक्रम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। पहले माना जा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया या फिर शिवराज सिंह ही सीएम बनेंगे, लेकिन मोदी शाह ने एमपी को नया सीएम देकर चौंका दिया हर किसी को। इस फैसले से बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अंदर ये भी संदेश गया है कि अगर वो ईमानदारी से काम करेंगे तो उनका भी नंबर मुख्यमंत्री के लिए कभी न कभी आ सकता है, क्योंकि ऐसे फैसले सिर्फ बीजेपी ही ले सकती है। परिवारवाद पर चलने वाली पार्टियां ऐसा फैसला कभी नहीं ले सकती है। इधर योगी स्टाइल में मुख्यमंत्री बनते ही मोहन यादव ने बता दिया है कि आगे वो क्या करने वाले हैं। मोहन यादव को जैसे मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया गया वो भावुक हो गए और शिवराज सिंह चौहान के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। इसके साथ ही 6 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में एमपी की सभी 29 सीटों को जीतने की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर होगी। मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर क्या बीजेपी ने सही किया और इस फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि मोहन यादव की वजह से बीजेपी को यूपी और बिहार में भी फायदा होगा? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।